हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मेहता डिजिटल क्लासेस। स्टूडेंट्स, हमने लास्ट क्लास में फूड वेट के बारे में पढ़ा था। उसमें हमने पढ़ा था कि हमें भोजन हम क्यों खाते हैं, हमें फूड की क्यों नीड होती है, हमें यानी भोजन की क्यों आवश्यकता होती है। तो आज हम पढ़ेंगे अपना टॉपिक वही है, फूड वी ईट, चैप्टर टू है ये आपका। तो आज हम पढ़ेंगे हेल्दी ईटिंग हैबिट्स, यानी खाने की अच्छी आदतें। तो स्टूडेंट्स देखिए, हियर आर गिवन सम हेल्दी ईटिंग हैबिट्स। यहाँ आपको कुछ हेल्दी हैबिट्स दे रखी है, तो हम रीड करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, ईट योर मील्स एट फिक्स्ड टाइम। स्टूडेंट्स, हमें खाना फिक्स सही समय पे खाना चाहिए। देखिए स्टूडेंट्स, आपको जैसे ये जो भोजन करने का समय है वो तीन पार्ट में बांटा गया है। फर्स्ट है मॉर्निंग, फिर आफ्टरनून में और फिर नाइट में। यानी मॉर्निंग में जो खाना खाते हैं तो उसको तो क्या बोलते हैं, ब्रेकफास्ट। और जो आफ्टरनून में खाते हैं अपन, उसको क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, लंच। और जो नाइट में खाते हैं हम, उसको क्या बोलते हैं, डिनर। तो हमें सही समय पे भोजन करना चाहिए। सेकेंड है वॉश हैंड्स बिफोर एंड आफ्टर टॉकिंग एवरी मील। स्टूडेंट्स, ये बात आप ध्यान से सुनिए, आपको खाना खाने से पहले और बाद में क्या करना चाहिए। जब आप खाना खाने बैठो उससे पहले भी आपको हैंड वॉश करनी चाहिए, और खाना खाने के बाद भी आपको हैंड वॉश करने चाहिए। अगर आप खाना खाने से पहले हैंड वॉश नहीं करोगे तो क्या होगा, आपके हाथों में जो जम्स है वो आपके खाना खाने के साथ में कहाँ जाएंगे, आपके पेट में। उससे क्या होगा, आप बीमार हो जाओगे। तो हमें खाना खाने से पहले और बाद में दोनों टाइम अपने हैंड वॉश करने चाहिए। अब देखिए आगे की नेक्स्ट, अपनी ईट फ्रेश एंड क्लीन फूड। हमें कैसा भोजन खाना चाहिए, कैसा खाना चाहिए, हमें फ्रेश एंड क्लीन फूड खाना चाहिए, ताज़ा और शुद्ध भोजन करना चाहिए। नेक्स्ट है अवॉइड टॉकिंग वाइल ईटिंग। स्टूडेंट्स देखिए, हमें खाना खाते टाइम हमें बात नहीं करनी चाहिए। या एक बात और बता दूँ, खाना यानी आपको शांति में बैठ के खाना चाहिए, किसी से बात नहीं करनी चाहिए। और ना ये भी नहीं कि आप टीवी देख रहे हो और खाना खा रहे हो, ये क्या है, ये बैड हैबिट है। जो हमें खाना खाते टाइम किसी से बात नहीं करनी चाहिए, शांति से हम खाना खाना चाहिए। अब देखिए, डू नॉट ईट अनकवर्ड फूड। देखिए, जो फूड अनकवर्ड होता है उसको हमें कभी नहीं खाना चाहिए। स्टूडेंट्स, जैसे रोड ये सड़क के किनारे पे कुछ ठेले वाले होते हैं, तो वो क्या करते हैं, फूड ये ठेले लगाते हैं, तो उनका फूड क्या होता है, वो अनकवर्ड होता है। उस पर आके क्या बैठती है, मक्खियाँ वगैरह बैठती है, मच्छर मक्खियाँ वगैरह, तो वो क्या है, दूषित हो गया वो खाना। तो हमें उस खाने को यानी हमें कभी अनकवर्ड खाना नहीं खाना चाहिए, ठीक है। अब है चू योर फूड वेल। स्टूडेंट, जैसे मैंने बताया आपको कि हमें खाना खाते टाइम किसी से बात नहीं करनी चाहिए, चुपचाप शांति से खाना खाना चाहिए। और क्या करना चाहिए, हमें जो बाइट लेते हो आप, उसको हर बाइट को आपको चबा चबा के खाना चाहिए। आप चबा के खाओगे तो क्या है, आपको आपका वो जल्दी से डाइजेस्ट हो जाएगा। नेवर डू ओवर ईटिंग। स्टूडेंट्स, हमें कभी ओवर ईटिंग नहीं करनी चाहिए, जितनी भूख उतना ही खाना चाहिए। अगर आप ओवर ईटिंग करोगे तो क्या होगा, आपकी वोमिटिंग हो जाएगी और आप बीमार हो जाओगे। तो कभी भी आपको ओवर ईटिंग नहीं करना चाहिए। अवॉइड ईटिंग फूड सोल्ड बाई हॉकर्स। और जो ये चीज होती है ना, हॉकर्स होते हैं ना, फेरी वाले, वो जो कुछ फूड आइटम्स बेचने आते हैं, उनसे हमें कभी भी क्या नहीं खरीदना चाहिए, खाने की चीज़ें खरीद के नहीं खानी चाहिए, ठीक है। स्टूडेंट, नेवर वेस्ट फूड एंड वाटर। स्टूडेंट्स ये बात देखें, हमें कभी भी
फूड को और वाटर को कभी वेस्ट नहीं करना चाहिए। ठीक है स्टूडेंट, आगे के भविष्य के लिए हमें बचा के रखना है। अगर आप अभी से उसको वेस्ट कर दोगे तो हम भविष्य में इनके बिना क्या करेंगे। ठीक है स्टूडेंट, अब है ड्रिंक एटलीस्ट 8 to 10 ग्लासेज ऑफ वाटर एवरी डे। स्टूडेंट्स, आपको पता है कि हम पानी हमारी बॉडी के लिए कितना ज़रूरी है, तो आपको कम से कम दिन में कितने गिलास, 8 या 10 गिलास तो पीने ही चाहिए। इससे ज़्यादा पियो तो अच्छा है, लेकिन कम से कम आपको 8 या 10 गिलास तो पीने चाहिए, इससे कम नहीं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अभी मैंने आपको ये बता दिया आपकी हेल्दी ईटिंग हैबिट्स। अब आपको मैं नेक्स्ट लेके चलती हूँ मील्स यानी भोजन। स्टूडेंट्स, मैंने अभी आपको बताया पहले कि मील्स कितने पार्ट में बांटा गया है, कितने पार्ट में है, यानी फर्स्ट तीन में, कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है, तीन में, थ्री पार्ट में। ठीक है, कौन कौन सा देखिए, फर्स्ट है, कौन सा है, फर्स्ट ब्रेकफास्ट, सेकंड लंच, और लास्ट अपना कौन सा है, लास्ट अपना डिनर। तो देखिए पढ़ते हैं हम इसके बाद में, वी हैव ब्रेकफास्ट इन द मॉर्निंग। स्टूडेंट्स, हमें मॉर्निंग में क्या करना चाहिए, सुबह हमें ब्रेकफास्ट करना चाहिए। इट इज द फर्स्ट मील ऑफ द डे। ब्रेकफास्ट क्या हुआ अपना, ये कौन सा मील, फर्स्ट मील ऑफ द डे, दिन का पहला भोजन हुआ यानी फर्स्ट मील ऑफ द डे। सेकेंड है, वी हैव लंच इन द आफ्टरनून। हमें लंच, लंच हमें कब करनी चाहिए, आफ्टरनून में। हम जैसे आप स्कूल आते हो तो सुबह तो आप नाश्ता करके आते हो स्कूल, तो वो क्या हुआ, जो नाश्ता करके वो तो वो आपका ब्रेकफास्ट। अब आप स्कूल में लंच के टाइम में जो खाते हो वो आपका क्या हुआ, जो खाना खाते हो वो क्या हुआ, आपका लंच हुआ। तो इट इज द सेकेंड मील ऑफ द डे, वो कौन सा मील हुआ दिन का, सेकेंड मील ऑफ द डे। अब अपना वी हैव डिनर एट नाइट, इट इज द लास्ट मील ऑफ द डे। अब देखिए रात का जो भोजन है, जो उसको क्या बोलते हैं, डिनर, जो लास्ट में अपन करते हैं ना डिनर, रात को जो सोने से पहले खाना खा के सोते हैं हम, तो उसको क्या बोलते हैं, डिनर। तो वो कौन सा मील हुआ अपना, लास्ट मील ऑफ द डे। तो आपको समझ में आ गया होगा कि मीन्स तीन पार्ट में है, कौन कौन सा, ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर। फर्स्ट मील ऑफ द डे ब्रेकफास्ट, सेकेंड मील ऑफ द डे लंच, और लास्ट मील ऑफ द डे कौन सा हुआ, डिनर। तो आपको समझ में आ गया होगा स्टूडेंट्स। आइए अब आगे अपन पढ़ते हैं कुक्ड एंड अनकुक्ड फूड, यानी कुक किया हुआ भोजन और बिना कुक किया हुआ भोजन, पकाया हुआ और कच्चा। ठीक है स्टूडेंट, हम भोजन को कुक क्यों करते हैं, हम क्यों पकाते हैं भोजन को, क्योंकि वी कुक फूड टू मेक इट सॉफ्ट टेंडर। स्टूडेंट्स, भोजन को जब हम पका लेते हैं तो वो कैसा बन जाता है, वो सॉफ्ट हो जाता है, और सॉफ्ट होने पे क्या होता है, वो जल्दी से अपने हम यानी वो डाइजेस्ट हो जाता है। कुक फूड इट इज ईजी टू डाइजेस्ट, यानी जो उपलब्ध जो कुक किया हुआ भोजन होता है वो इजीली डाइजेस्ट हो जाता है। फिर सम वेजिटेबल्स लाइक कैरेट, रेडिश, टोमेटोज एक्सेट्रा कैन बी इटन रो। स्टूडेंट्स, कुछ वेजिटेबल्स हैं जो क्या है, उन्हें हम कच्चा भी खा सकते हैं, जैसे कौन कौन सी है वो, गाजर, कैरेट, रेडिश, मूली और टमाटर। ठीक है, इनको हम क्या करते हैं, सलाद में भी खाते हैं इनको, आपने देखा होगा ना, आप सलाद में खाते होंगे ना, गाजर, मूली, ये सब चीज़ें क्या है, टोमेटो, ये सलाद में भी खाते हैं, इनको हम कच्चा भी खाते हैं, यानी पका के भी खाते हैं और कुक करके भी खाते हैं और अनकुक भी खाते हैं। अब वी ऑल्सो ईट फ्रूट्स इन रो स्टेज। स्टूडेंट्स, यानी जो फ्रूट्स होते हैं आप इनको पका के खाते हो, नहीं ना, फ्रूट्स को हम रो खाते हैं, यानी कच्चा, रो का मतलब क्या होता है, कच्चा ही खाते हैं, फ्रूट्स जो भी हैं उनको हम कच्चा ही खाते हैं। तो स्टूडेंट्स, आपको आज का ये जो मैंने पढ़ाया है आपको हेल्दी ईटिंग हैबिट्स और ये मील्स के बारे में पढ़ाया है, कुक्ड अनकुक्ड के बारे में पढ़ाया है, तो आपको समझ में आ गया होगा
तो आपको क्या करना है, अपनी ईवीएस की नोटबुक में चैप्टर 2 डाल के फूड वी ईट, फिर हेल्थ ईटिंग हैबिट्स, ये हैबिट्स लिखनी है आपको पूरी, और ये मील्स के बारे में लिखना है, और फिर है कुक्ड एंड अनकुक्ड, जैसे मैंने यहाँ राइट किया है ना वैसे ही आपको अपनी नोटबुक में इसी तरीके से लिखना है। थैंक यू स्टूडेंट।